आर्यन खान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आर्यन खान की कस्टडी 3 दिन और बढ़ा दी गई है, यानी कि 7 अक्टूबर तक आर्यन खान को एनसीबी की कस्टडी में रहना होगा। आर्यन खान को आज कोर्ट में पेश किया गया। लगातार कई दलीलें हुई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी दलीलों में कहा कि उनको आर्यन खान के फोन से कुछ चैट्स मिली हैं जो आपत्तिजनक हैं। इसके अलावा कुछ तस्वीरें मिली हैं। सतीश माने शिंदे, जो कि आर्यन खान का केस पेश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पंचनामा में कुछ भी नहीं बताया गया है, यहाँ तक कि आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, और ऐसे में आर्यन को और कस्टडी में नहीं रखा जाना चाहिए। जब भी जरूरत होगी, सहयोग करने की बात होगी, हम तैयार हैं, वो पूछताछ के लिए हाजिर होगा। और एनसीबी को जो भी पता करना था, उनके पास 2 दिन थे, वो पता कर सकते थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब ये फैसला लिया गया है कि 7 अक्टूबर तक आर्यन खान को एनसीबी की कस्टडी में रहना होगा, यानी कि और 3 दिन जो है एनसीबी के पास होंगे आर्यन खान से पूछताछ के लिए। तो ये जो है एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि कल ये खबर आई थी कि एनसीबी और रिमांड की मांग नहीं करेगा, लेकिन आज कोर्ट में जो है एनसीबी ने रिमांड मांगी। वो 11 अक्टूबर तक आर्यन की रिमांड चाहते थे, लेकिन और 3 दिन की रिमांड जो है फिलहाल एनसीबी को दी गई है। तो ये वाकई में एक बड़ा झटका है। आर्यन खान से और पूछताछ करना चाहती है एनसीबी। हालांकि जो आर्यन के वकील है सतीश माने शिंदे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि आर्यन जो है वो रिहा हो जाए, उनको जमानत मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने अब 3 दिन की एनसीबी को और रिमांड दे दी है।